भगवान बुद्ध बताते हैं कि श्रद्धा नहीं करनी चाहिए, करके देखना चाहिए और एकतयु नहीं होना चाहिए। मैंने कहा, आपने मान लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, साधना करनी चाहिए, हर मंजिल पे पहुंचना चाहिए, तभी रास्ता पूरा आगे बढ़ेगा। और धम्मपद गाथा कथा नंबर 97 ये अर्हत वग्गो की अरहंत वग्गो की कथा है, यानी कि जो जानकार हैं, जो लिबरेट हो चुके हैं। ये जो धम्मपद है 97 का, ये बहुत ही ज्यादा गूढ़ और बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये अरहंत वग्गो का है, अरहतों का है, ज्ञानियों का है। असद्धो, इसकी पहले आप कथा सुन लें। भगवान बुद्ध को लगा कि 30 जो भिक्खु हैं वो अरहत हो सकते हैं। गंभीर भिक्खुओं की सभा हो रही है, 30 भिक्खु बैठे हुए हैं और 30 भिक्खुओं में भगवान सारिपुत्र से प्रश्न करते हैं। उस प्रश्न के जवाब में सारिपुत्र कहते हैं कि जो संवेदनाएं वेदनाएं हैं उनका अनुभव क्या है मुझे पता नहीं, मुझे तो आप में श्रद्धा ज्यादा है, आपके श्रद्धा की वजह से मैं सारा काम ये सफल कर दूंगा, हो जाएगा। तब भगवान बुद्ध जो ये गाथा कहते हैं, इसका एक एक शब्द, इसमें 5 बहुत इंपॉर्टेंट है और 5 ही कमाल के हैं, क्योंकि उनके इतने गूढ़, इतने गंभीर, इतने गहरे बात है जो हर एक व्यक्ति को समझनी चाहिए। असद्धो ए कतयु चे संधि छेदो चे यो नरो हता अवकाशो वंतासो से वे उत्तम पोरिसो। असद्धो, असद्धो का मतलब समझे हैं क्या है? असद्धो का मतलब है बिना श्रद्धा वाला। अब आप समझिए कि भगवान बुद्ध श्रद्धा के लिए नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि श्रद्धा शब्द बाद में, आज भी समय में बहुत सारे श्रद्धालु हैं जिनको भक्त बोलते हैं, भक्त और श्रद्धालु हमेशा नुकसान करते हैं, श्रद्धा हमेशा अंधी होती है। श्रद्धा में आदमी समझ से काम नहीं करता, बस श्रद्धा हो गई हमारी बात खत्म हो गया, तो श्रद्धा नहीं होनी चाहिए। यानी कि ए असद्धो, असद्धो का मतलब है ए सद्धो, ए सद्धा वाला, सद्धा बोलते हैं सद्धा को पाली में, सद्धा यानी जिसको श्रद्धा नहीं है। विश्वास में और श्रद्धा में अंतर होता है। विश्वास किसी चीज को देख के परखे होता है, और अगर बिना देखे परखे अगर विश्वास कर ले तो वो श्रद्धा हो जाती है, और श्रद्धा हमेशा अमूमन अंधी ही होती है, क्योंकि आपने कहा हमने मान लिया, चेक तो किया नहीं, तो वो अंधे का मतलब है हमने देखा नहीं है। ए कतयु चे, ए कतयु चे, ए कतयु, ए कतयु है इसका शब्द का नाम, यानी ए कत माने किया हुआ और यू जो आता है वो ज्ञातु से आता है, यानी कि जो ज्ञाता है, यानी कि जिसने किया हुआ ज्ञात नहीं किया, यानी ए माने नहीं, कत माने किया हुआ और यू माने ज्ञात करने वाला, यानी जिसने किया हुआ ज्ञात नहीं किया। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि जो काम वो कर रहा है 24 घंटे, भिक्कू है, भिक्कू की बात चल रही है, भिक्कू की सभा है, जो कर्म वो कर रहा है 24 घंटे चर्या में, उठने का, बैठने का, सोने का और बैठने का, यानी बैठना, उठना, सोना और चलना, ये 4 काम जो वो कर रहा है, किसे ले रहा है, दे रहा है, इस पूरे उसमें, और जो काम उसने किया है यानी नहीं किया है, बिना किए उसको कर रहा है, जान रहा है, तब वो उस व्यक्ति के लिए है। ए कतयु यानी कि बिना किया हुआ जो ज्ञान है, यानी अनुभव नहीं किया उसने, अनुभव नहीं कर रहा है और किसी को बात को वैसे ही मान रहा है। हमने मिठाई खाई, ये मिठाई ऐसी है, मैंने ये बताया, भिक्कु ने मान लिया, ये एकतयु है, यानी कि किया नहीं है और मान लिया, जान लिया, इसका कोई फायदा धम्म में नहीं होता है। खुद जाने, खुद देखे, किसी ने कहा निर्वाण प्राप्त हो गया, भगवान बुद्ध ने कहा निर्वाण मुझे प्राप्त हो गया, मान लिया तो निर्वाण प्राप्त नहीं होगा, उसको कत करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, कतयु बनना पड़ेगा, यानी करके जानना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, उस राह पे, मार्ग पे चलना पड़ेगा। चे माने और संधि छेदो, ये जो संधि छेदो जो शब्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संधि माने वैसे समझौता होता है, छेदो माने
छेद करना, तोड़ना, काटना होता है। जैसे कहते हैं इसकी गाल छेद दे, इसको छेद दे, इसको छेद दे, यानी कि इसको तोड़ दे, इसको भंग कर दे, इसको खत्म कर दे, इसको नष्ट कर दे। तो संधि को छेदने वाला, सब संधि कौन सी है? संधि है जो पाप कर्म की संधि जुड़ जाती है शरीर में, जिसको नाम रूप करके समझाया है। यानी कि नाम रूप की जो संधि पाप कर्म की जो होती है, जो अविद्या की संधि है, जो आपकी ना समझी की है, जो आप पूरी जिंदगी में गलत काम करते हो, 24 घंटे में हर मिनट में गलत काम कर रहे हो, वो जो जुड़ रहा है आपके अंदर, उसको जो छेद दे, यानी कि जो उसको तोड़ दे, उसको खत्म कर दे, यानी कि पाप कर्म ना करे। चै यो नरो, चै माने और, यो माने जो, नरो माने नर, यानी जो ये नर ऐसा करता है। हत अवकाशो, हत माने होता है नष्ट करना, और अवकाश माने होता है अवसर और मौका, यानी कि जो ऐसे मौके को हत कर दे, नष्ट कर दे। कैसे मौके को नष्ट कर दे, हत कर दे? जब पाप और बुराई और गलत काम आपके अंदर आ रहा है, आपके मन में आ रहा है, आपके शरीर से हो रहा है, आपकी आंखों से हो रहा है, आपके कान से, आपके नाक से, आपसे जीभ से हो रहा है, तो उसको हत कर दे, नष्ट कर दे, ऐसे मौके को, ऐसे अवसर को पैदा ही ना होने दे। वन तासो का मतलब, वंत माने जो होता है, वमन यानी उल्टी होता है, उलट, और सो माने वह, यानी कि उसको उलट कर दे, उलटने करने वाला। क्या उलट कर दे? जो खराब चीज आ रही है, जो पाप आ रहा है, उसको उल्टा कर दे, वापिस कर दे, उसको ले ना, उसको ग्रहण ना करे, वापिस कर दे। से वे उत्तम पुरुषो, से माने वह, वे माने जो होता है वास्तव में निश्चित, और उत्तम पुरुषों का माने हैं कि बेस्ट वो नर या नारी होते हैं। पुरुष माने दोनों होता है, नर और नारी दोनों होता है, यानी कि वो सबसे अच्छे नर नारी हैं जो ये काम करते हैं। तो यहाँ जो उन्होंने एक एक शब्द को बताया है, इसमें सारे शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये चूंकि भिक्षुओं की गंभीर सभा है, गहरी सभा है, इसमें 30 भिक्षुओं को उन्हें उम्मीद है कि अर्हत हो जाएंगे, तब ये बात सारी पुत्र के साथ में प्रश्न क्वेश्चन के जवाब में पूछा जाता है। तब भगवान बुद्ध बताते हैं कि श्रद्धा नहीं करनी चाहिए, करके देखना चाहिए, और एकतयु नहीं होना चाहिए। मैंने कहा, आपने मान लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, साधना करनी चाहिए, हर मंजिल पे पहुंचना चाहिए, तभी रास्ता पूरा आगे बढ़ेगा, और चलोगे तो ही पहुंचेगे। फिर कहते हैं संधि छेदो, यानी कि जो पाप कर्म जुड़ते जा रहे हैं उनको छेदते रहो, खत्म करते रहो, उनको दूर करते रहो, संधि मत होने दो, उनको जुड़ने मत दो, आसक्ति मत होने दो, राग द्वेष मत होने दो, उनको तोड़ते रहो, निकालते रहो। हत अवकाशो, यानी कि जो मौका है, कोई भी मौका ऐसा आ रहा है जबकि आपके शरीर में, मन में राग द्वेष प्रवेश कर रहा है, तो उसको नष्ट कर दो। हत अवकाशो, वन दासो, यानी कि उल्टा कर दो, वापस फेर दो उसको। जो ऐसा पुरुष होता है वास्तव में वो उत्तम पुरुष होता है। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है, और आपको लगता है कि धर्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए, या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए, या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए, या प्रिंट में, किताब में छापनी चाहिए, या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए, या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे, या अपने हैंडल पे, या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Duthiyampi Dhammam Sarana Gacchami.
निछटारा फिर मनी सिखा बधिंग समाधियामी कामे सुमिछटारा फिर मनी सिखा बधिंग समाधियामी कामे सुमिछटारा फिर मनी